ये मिल गया है रिक्शा पहले फेज़ में दौसा तक बना है। दौसा तक ये 227 या 30 किलोमीटर तक बना हुआ है और हम इस सड़क से जाएंगे कहाँ, मेहंदीपुर बालाजी। कि पहले हमें मेहंदीपुर बालाजी जाते थे तो गुड़गांव से ही 5-6 घंटे लगते थे। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमें यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तो चले सोना मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी। दिल्ली से दिख रहा है मुंबई जाने का रास्ता। दिल्ली से शानदार अंडरपास बना हुआ है। इस तरह के से ही सारा का सारा रास्ता ही बना हुआ है। राजीव चौक गुड़गांव से हम लोग चले हैं 8:20 पर। इस बार हम जाएंगे, गाड़ी में हैं हम, मैं, कमल जी और अनिल। हम तीन लोग जा रहे हैं इस सोना बड़ोदरा या मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का आनंद लेने और साथ के साथ आपको भी आनंद देने। अभी हम कितने किलोमीटर आए हैं, 10 किलोमीटर भी नहीं आए और टोल लगेगा यहाँ पर 115 रुपये का एक तरफ से, और अगर हम वापस आ जाते हैं आज की डेट में तो वापसी में लगता है 60 रुपये। दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे चालू हो गया है। मेरे ख्याल से ये डामर जैसा दिख रहा है, अब चालू हुआ है। ये हमारे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि हम भी वर्ल्ड क्लास रोड पे ड्राइव करें, लेन ड्राइव करें, वर्ल्ड क्लास सड़कों पे जो है ड्राइव करें। और ये कंपन बिल्कुल नहीं है गाड़ी में। हाँ, अब फील हो रहा है। इतनी देर मुझे भी लग रहा था कि कहाँ है अमेरिका, कहाँ है, बट अब ऐसा लग रहा है जैसे ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल वाइब्रेशन ख़त्म हो गए और स्पीड वो की वही है। अभी हम लोग 95 की स्पीड पर चल रहे हैं। अब अंदर से फीलिंग आ रही है जैसे कि आप अगर लेन चेंज करते हो तो आप इंडिकेटर दो, और गाड़ी में मुझे लगता है हिंदुस्तानी भी बहुत शौकीन है और ऐसा नहीं है कि सब रूल तोड़ने वाले हैं। उनको अच्छी चीज़ दी जाए तो मेरे ख्याल है वो भी बढ़िया से फॉलो करके एंजॉय करेंगे चीज़ों को। ये आ गया दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस, ये यहाँ से आगे लेफ्ट लेना है। ये काफ़ी वो बना हुआ है कट, मेहंदीपुर बालाजी भी इसी रूट पे पड़ता है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने अब मेहंदीपुर बालाजी के भी दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए, ये है लेफ्ट है, ये यहाँ से हल्का लो, हाँ ये लेफ्ट ले लेते हैं यहाँ से। देखिए
थोड़े से ग्लिम्सेस तो इन्होंने दे ही दिए हमें उस सड़क को पे भी, बट ये है मेन रोड जो है, देखो देखने में भी लग रही है कि कुछ स्पेशल है। ये आ गए हैं हम मेन हाईवे, मेन एक्सप्रेस हाईवे पर। ये एक दो तीन चार, तीन तो बीच में है और दो साइड में है, पांच लेन का ये हाईवे, वन साइड वन वे से। अब हम लोग 97 की स्पीड पे हैं, स्टीयरिंग पकड़ के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, बहुत ही स्मूथ चल रही है गाड़ी। मामा जी अलाउड कितना है वैसे? अपन तो 120। हाँ तो आप अपनी स्पीड में चलिए, हमें आदत नहीं है ना अभी 120 पे चलने की, क्योंकि बीच में कई हाईवेज पे 100 की स्पीड अलाउड थी, लेकिन फिर इन्होंने 85-80 कर दिया, तो वो एक्सीलेटर से पैर एकदम हट जाता है। हाँ जैसे ही वो अभी हम 120 की स्पीड पे चल रहे हैं, इससे ज्यादा तो ट्रेन में हिलता है। ये अनिल जी को ट्रेन का काफी एक्सपीरियंस है, बता रहे हैं। और ये चेंज करी है मैंने आपको दिखाने के लिए, फिर भी देखो वाइब्रेशन, कभी-कभी तो ज्यादा भी झटके मारते हैं तो हिल जाता है ट्रेन में। इसका मतलब हम आराम से बैठकर चाय कॉफी पी सकते हैं इसको एक ट्रे बना के। दूसरा टोल प्लाजा, यहाँ पे अब ऐसा सिस्टम है कि आपको अभी टोल नहीं लगेगा, पर जब हम इस हाईवे को छोड़ेंगे जहाँ से एग्जिट करेंगे वहाँ से एक किलोमीटर के हिसाब से नापेगा और उतना ही टोल कट जाएगा। वैसे पहले अभी बताया गया है कि 2 रुपये 19 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से ये टोल चार्ज होगा इसमें। अभी ये देखिए हो गया, हमें इजाज़त दे दी गई है आगे बढ़ने की, और अब ये कटेगा टोल एक्सप्रेस हाईवे के हिसाब से 2 रुपये 19 पैसे पर किलोमीटर। आपने चेक इन कर लिया है, अब चेकआउट पे आपको ये चेक कर लेंगे। ताऊ देवीलाल हर जगह मिलेंगे आपको हरियाणा में। काट दिया पागल, हल्का सा चलाओ, हल्का हल्का पलवल कुंडली के लिए और ये सीधा बड़ोदरा। ये रास्ता बन रहा है, देखिए ये आएगा सीधा वहां से पलवल से। अच्छा ज़्यादा रुक नहीं रहे हैं ना, गाड़ी स्लो कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हम कितनी देर में वहाँ पहुँचेंगे, हमारा समय कितना बचेगा। इसलिए हम आप अपने दर्शकों को सीधा अच्छी स्पीड में 110-120 की स्पीड में जा रहे हैं। मुंबई यहाँ से 1204 किलोमीटर दिखा रहा है ये, और गाड़ियाँ बड़ी ही स्मूथली चल रही हैं। ये देख ये काफ़ी कनेक्ट कर देंगे, तो ये नहीं कि आप सोना से ही चढ़ें, ये पलवल से भी जुड़ रहा है, फिर पलवल से जुड़ जाएगा तो जो पुराना दिल्ली और मुंबई आगरा होते हुए रास्ता था वो इससे जुड़ जाएगा।
लगता है कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बीच में इन्होंने जगह छोड़ी है ताकि अगर इसको हमें 12 लेन का करना पड़े तो 12 लेन किया जा सके। कमल जी को पूरा आनंद आ रहा है ड्राइविंग का, क्योंकि 220-30 किलोमीटर पड़ता है डोसा और हम 120 की स्पीड में चलें लगातार तो डोसा 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है, परंतु ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 घंटे तक लगातार गाड़ी चलाना 120 किलोमीटर की स्पीड में ये थोड़ा सा असुविधाजनक भी हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ना रुकें और इसको पार करें। फिलहाल हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। शाम सेवा स्थल 1 किलोमीटर, अभी शायद ये खुले नहीं है, बुड़क के जाते थे ये। भाई साहब हमारे जो अनिल जी हैं बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि पहले जब ये सफ़र करते थे बोतल रखते थे सामान निकालने के लिए तो वो भुड़ भुड़ कर रहे हैं, गिर जाते थे। मैंने चाय की कंटेनर, चाय का कंटेनर यहाँ रख दिया, देखता हूँ कब तक नहीं गिरता है। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है बाबा जी। बाबा जी कंस्ट्रक्शन में है ये रेस्ट रूम। टोल प्लाजा बने हुए हैं, जैसे कि आप एग्जिट लेते हो या कहीं और जाना है, जैसे पहले बताया था जहाँ से आप निकलोगे उसी हिसाब से आपका शुल्क कट जाएगा। ये एंट्री एग्जिट दोनों तरफ ये टोल जो बनाया है ना, एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए, चढ़ेंगे तो नाप लिए जाओगे भाई यहाँ से चढ़ रहे हो, जहाँ उतरोगे वहाँ से उसके हिसाब से टोल तक कट जाएगा। ये लीजिए आप पराठा। अब चलती गाड़ी हो पराठों का साथ हो, और तब ये होता था कि यार चाय और हो जाए, पर चाय नहीं पी पाते थे चलती गाड़ी में। कैरी का अचार होना चाहिए, पर है अचार भी है इसमें। हाईवे स्मूथ है नो डाउट, और इसमें खाने पीने का भी मज़ा अलग ही है। ये हम घर से ही बना के लाए पराठे आलू के। हम दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर आ गए हैं और एफएम चल रहा है। देखिए अभी आप, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अभी हमारे शीशे बंद हैं गाड़ी के, और शीशे खोलते हैं, और ये और एक चीज़ और देखिए, हाथ जाते बाहर उड़ रहा है। साउंड भी बदल गया है, स्पीड हमारी अभी 110 की ही चल रही है। पीने का जो एक्सप्रेस हाईवे पे आनंद आना चाहिए उसका पूरा आनंद लिया जा रहा है। भाई साहब आप अपने टेबल लगा लीजिए छोटी सी, और पर खाना रखिए, मजे से जाइए, मजा आएगा, खाना इधर से उधर हो जाए जरा सा भी। ने छोटी सी टेबल पे सूप रखे वो पी सकते हो बिना डरे कि भाई वो चला जाए। मुंबई जाना अब इतना आसान हो जाएगा, आसानी कंफर्टेबल हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा कि कोई भी अपनी गाड़ी से जा सकता है, फैमिली टूर कर सकता है, और ट्रैवलिंग का आनंद देखिए। दो गाड़ी हमारे अभी दाएं बाएं से गई हैं, वो देखिए। ओह सब हमारा अभी तक यही रखा है, वो देखो कैसे उड़ती हुई जा रही है हमारी 120 की स्पीड, और वो अब लगा लीजिए कितनी स्पीड में जा रहे होंगे। पहला पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप भी दिखा हमें, इसका मतलब अगर लंबे रूट पे जा रहे हैं तो आपको पेट्रोल की भी दिक्कत नहीं होने वाली। 80 किलोमीटर के बाद ये पेट्रोल पंप आया है, 75 तो पेट्रोल की भी आपको सुविधा, पेट्रोल की भी टेंशन नहीं करनी है।
जी, कमल जी, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, बोर तो नहीं हो गए? नहीं नहीं नहीं, इसमें बस ये है कि अपनी फेवरेट म्यूजिक चलती रहे और बाकी छोटी मोटी गप्पे मारते रहो और चलाओ। और इतने बढ़िया रोड है कि बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में अपन लोगों को थोड़ा सा रोड और लेन जो है सेंस भी लेना पड़ेगा, ताकि ट्रक अपनी लेन में चलती रहे और हम लोग अपनी लेन में चलाएं। अब देखो हम लोग को चलाना पड़ रहा है ट्रक की लेन में, एंड ट्रक चला रहा है कार की लेन में, तो ये थोड़े थोड़े सेंसेस जो ठीक रखने पड़ेंगे। और बाकी एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि वंस यू आर इन द लेन तो आप अब उनकी स्पीड फॉलो करो। बीच में जैसे वो सियाज वाला था जो रफली 70 के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उसके पास से आराम से निकल गए, तो वो हाई स्पीड लेन पे 70 के अराउंड चला रहा है, तो ये भी थोड़ा सोचने वाली चीज़ है कि थोड़ा तो सेंसिबल आदमी को होना ही है ना, नहीं तो ऐसे एक्सीडेंट करवा देगा वो। देखिए सरकार का तोहफा है और हम इसको कितना मेंटेन कर पाते हैं या इसका कितना आनंद ले पाते हैं ये तो फ्यूचर ही बताएगा, पर अभी देख कर लग रहा है कि हाँ कुछ तो है। गडकरी साहब आप में कुछ तो है। ये लगातार मैं देख रहा हूँ कि काफी मतलब हर 10 किलोमीटर के बाद ही ये स्पीडोमीटर के आपके कैमरे लगे हुए हैं, ये आगाह करते हैं कि भाई आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कीजिए। कि कुछ गाड़ियां हमने देखी वो 140 की स्पीड में कम से कम जा रही होंगी, क्योंकि हम जब 110-120 पे चल रहे थे वो हमारे दाएं बाएं से झूम से निकल गई। लगभग 120 किलोमीटर चलने के बाद ये रेस्ट रूम आ जाता है, यहाँ पर फ्यूल पंप, कार पार्किंग, रेस्टोरेंट, सर्विस एरिया, टॉयलेट, चिल्ड्रन प्ले एरिया और बस पार्किंग सब है। बाकायदा एक गार्ड लगा हुआ है पार्किंग कराने के लिए। चिल्ड्रन पार्क, ये लगता है यहाँ का वॉशरूम इस्तेमाल करके आ रहे हैं। हाँ भाई कहाँ से आ रहे हो? क्या सिर्फ दो ही हैं सुसु करने के लिए? लाइन लग जाती है वहाँ पे। ओके जी जी, यहाँ पे 20 आदमी आ गए तो बोतल भी लाइन लग जाएगी। हेलो, ये इसका मतलब ये थोड़े से परेशान होकर आए हैं। नहीं, देखो औरतें भी खड़ी है लाइन में। अच्छा, सबके लिए एक ही है ना? औरतों का अलग है, लेकिन दो दो एक में दो ही घुसेंगी लेडीज। और यहाँ भी काफी रश हो गया है, मुझे लगता है कि ये लोग भी अभी अभी आदि नहीं हुए इतना रश झेलने का। काफ़ी लोग खड़े हैं लाइन में, शायद सप्लाई यहाँ पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ हमने ज़्यादा समय नहीं गंवाया क्योंकि खाना पीना तो हम साथ ही लाए थे, बस आपको दिखाने के लिए हमने कवर किया। और 5 मिनट रुके हम यहाँ पे, 5-7 मिनट ये फ्रेश होके आ गए और हम चल रहे हैं फिर मैनीपुर बालाजी की तरफ। तब लोगों को यहाँ पे रुकने का फायदा मिलेगा, और हो सकता है रुके भी ना, क्योंकि 100 किलोमीटर चलने के बाद जब थकान ही नहीं है कोई, ये तो जस्ट पिकनिक मनाने के तौर पे आए हुए हैं लोग, है ना, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, चलो तो अब यहाँ पे खाएंगे पिएंगे और चल देंगे। ये देखिए 120 की यहाँ पे एक लिमिट है, तो हमें ये आवाज़ आने लगी थी, पता नहीं क्या हो रहा था, पर देखा तो अगर हमारी स्पीड 120 से ऊपर जाती है तो गाड़ी में से आवाज़ आने लग जाती है। ये देखिए अभी हम चाह रहे हैं 120 पे कम है, और देखिए जैसे ही 120 से ऊपर जाएंगे तो देखिए आवाज़ बढ़ाइए। ये देखिए 120, ये सिर्फ हम आपको बताने के लिए कि शायद यहाँ एक्सप्रेस वे का सिस्टम ऐसा है कि आपकी 120 से ऊपर जाएगी तो ये इंडिकेट करेगा कि आप ओवर स्पीड जा रहे हैं। हमारी गाड़ी में शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग गया है, 120 के ऊपर चलते ही ये इंडिकेट करने लग जाता है कि आप ओवर स्पीड चल रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। ये मारुति वालों की सेटिंग है या एक्सप्रेस हाईवे की सेटिंग है ये मुझे नहीं पता, आप भी देखिएगा
क्या क्या आपकी गाड़ियों में भी ऐसा होता है? देखिए कुत्ता एक सड़क के बीचों बीच है, ये जानवरों की वजह से ही काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं हाईवे पर, और हम ये सोच रहे थे कि शायद जानवर यहाँ पे नहीं चढ़ पाएंगे, पर हमने देखे कि दो कुत्ते मरे हुए थे और एक कुत्ता आपने अभी देखा था खड़ा हुआ था सड़क के बीचों बीच। ये हाँ, अब ये जो रोड है यहाँ पर 170 किलोमीटर दिखा रहा है स्पीडोमीटर, और एग्ज़िट RZ2। हम यहाँ से निकलेंगे बाहर महावा के लिए, ताकि हम मेहंदीपुर बालाजी जा सकें। ये देखिए ये रोड हम यहाँ से छोड़ेंगे, ये एग्ज़िट और टोल टैक लेन 2। आगे वो टोल प्लाजा है ऊपर चढ़ने के लिए ना, ये हम इधर से जाएंगे महावा। ये रोड अब हमारे को वो छोटी रोड मिलेगी जो हमें ज़्यादा समय लेगा, अब ये सीधा मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे घूमते हुए महावा से। सोना से ये दूरी पड़ती है 150 किलोमीटर की, क्योंकि हमें 20-22 किलोमीटर घर से सोना तक पहुँचने में लगे, और 8 बजे के आसपास हम सोना पर थे और अब 10 बज रहे हैं, मतलब 2-4 मिनट हैं बचे हुए 10 मिनट में, तो हम लगभग 10 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हैं महावा के लिए। पहले हम जाते थे तो 5-6 घंटे लगते थे, और सड़कों का तो आपको पता ही है। देखिए अलग अलग स्वेटर ये चलते फिरते स्वेटर, कमल जी का कहना चलते फिरते स्वेटर। आई ये राजस्थान का जुगाड़। महावा को क्रॉस करने के बाद ये आ गया जयपुर आगरा, ये पीछे से आगरा से आ रही है रोड और सीधी जयपुर जा रही है। अगर हम उस तरफ से आते हैं तब यहाँ से राइट को, और ये अब लेफ्ट। जय हो बालाजी, आ गया वही गेट आ गया। जय हो बाबा बालाजी महाराज की जय। तो भाई 218 किलोमीटर है यहाँ तक, और अब बजे हैं 10:49, मतलब हम लोग 3 घंटे में घर से चलकर बालाजी के प्रांगण में आ गए हैं। मैं हाँ आपको बता दूं कि मैं 2021 में भी आया था लॉकडाउन के बाद, तब लॉकडाउन में दरबार खुला नहीं था, बंद था, तो हमने उसके आगे पीछे आसपास की जगह दिखाई थी। अगर किसी को देखनी हो तो मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। जय मेहंदीपुर बालाजी की जय बजरंग बली। ये पार्किंग ये देखिए, चलो 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 आगे नहीं जाने देंगे क्या है, वहाँ लगा दो फिर। ये देखिए यहाँ पे सरकारी पार्किंग, इसके आगे जाने नहीं देंगे, तो राजस्थान की सरकारी पार्किंग 10 रुपये हटा के 100 रुपये शुल्क किया हुआ है। चलो चलिए साहब, पहुँच गए हम बालाजी मेहंदीपुर बालाजी की ऑथराइज्ड कार पार्किंग में। ये है पार्किंग, और सारी गाड़ियाँ जहाँ तक दिल्ली से हटके ये है राजस्थान। चलो जय बाबा बालाजी। हाँ यहाँ से कितनी दूर है बाल मंदिर? 1 किलोमीटर। ये तमाम होटल और धर्मशालाएँ हैं।
पीछे आ भाई शाबाश। ये अपनी रिकॉर्डिंग के लिए बढ़िया हो गया। ये देख ये 10-10 रुपये में बालाजी मंदिर तक पहुँचा देंगे और कमल जी के हिसाब से हमारा समय बचेगा। और पकड़ के चलो, पता चला उछल के बाहर निकल गए ऐसे। चलो पहुँच गए बालाजी और यहाँ तो बहुत ही रश है। जय बाबा महेंद्रपुर बालाजी। हम यहाँ पहुँचे 10:50 पर और वहाँ से रिक्शा किया और अब बज रहे हैं 11। रश बहुत है और यहाँ पे 100 मणि कहाँ से प्रसाद लेंगे जी। ये प्रसाद की दुकानें हैं और यहीं पर आप अपने जूते चप्पल उतार के प्रसाद लेके जा सकते हैं। एक जगह और ले लो बस। ये देखिए हमें वो मंदिर है वहाँ से काफ़ी रश से आता है और प्रसाद वाला कह रहा था कि आज रश नहीं है। अब हम यहाँ पर लाइन में लगे हैं। कितने बजे नंबर आता है? यहाँ से सीधे दर्शन होते हैं बालाजी महाराज की। अभी पर्दा लगा हुआ है, आप देख रहे हो लाल लाल पर्दा है। ये जो प्रसाद देते हैं ये आगे चुहा के लाते हैं ऐसे रख देंगे, कर सकते हैं ऐसा कुछ है? बालाजी जी कृपा। और हमने यहीं से दर्शन कर लिए जो आपको दिखाए थे, दर्शन कराए हैं। बाकी तो यहाँ बहुत भीड़ पीछे तक लगी हुई है लाइन। अब बीच में पर्दा लगता है, पर्दा लगने से और भी भीड़ हो गई है। पर्दा खुल गया है, लोग दर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भक्तों जय तो शाम को 8 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले अगर आपको गाड़ी लानी है तो आप आ जाओ, नहीं तो वहीं गाड़ी खड़ी करो। 100 रुपये की पार्किंग है और 10 रुपये वहाँ से यहाँ तक आने में पर पर्सन। लस्सी 40 रुपये का कुल्लड़। लस्सी हमेशा स्टफिंग होती है और ठीक रहता है, ठंडक भी देती है, पेट फुल हो जाता है, बेफालतू और कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लो जी कचौड़ी का और मूड कर गया इनका। अकेले अकेले खाओगे, थोड़ा सा पीछे से दो इनको, खिलाओ भाई टैक्स कराओ।
चलो भाई हमें मिल गया है रिक्शा। बारह 25 हो गए हैं और 220 किलोमीटर हमारे घर से यहाँ तक पड़ता है, राजीव चौक से यहाँ तक पड़ता है पूरा 200 किलोमीटर क्योंकि 24 किलोमीटर के करीब हमारे घर से। टोल लगा हमारा 290 रुपये टोल लगा एक्सप्रेसवे का और 115 रुपये सोना का। अब वापसी में जाते हैं देखते हैं कितना टोल लगता है। ये हमारी पार्किंग, पार्किंग हमने खड़ी कर दी थी और ये लेगा हमसे 100 रुपये जो हमने तैयार कर रखे हैं इसके लिए। चलो सर तो अब हम चलेंगे वापस दिल्ली की तरफ उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम आए थे। जय बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय। मामा जी मुझे कप दे दीजिएगा मेरा वाला। अच्छा अब आप आनंद लेंगे। अब मैं भी चाहती हूँ। हम चल दिए हैं दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की तरफ। हमारा दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे का सफर पूरा। थैंक्स यू, प्लीज विजिट अगेन ये बोर्ड। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अपना राजीव गांधी चौक है गुड़गांव का। लेफ्ट को जाएंगे तो सोना और नू आएगा, राइट को जाएंगे तो गुड़गांव। इस तरह से इतना बढ़िया शानदार सफर 2:47 हुए हैं और 299.9 मतलब 400 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं आज की डेट में। मुंबई तक का जो रास्ता है 1378 किलोमीटर का है। खत्म होता है हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का सफर।